हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग व्लॉग्स ऑफ नील। सो आज की इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसी हॉरर स्टोरी शेयर करने वाले हैं जो कि काफी डरावनी है। गाइस, ये स्टोरी जो होने वाली है ये काफी रियल स्टोरी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। और आज की स्टोरी शेयर करने वाला है मेरा भाई विमल। की लाइफ में कुछ ऐसा हॉरर एक्सीडेंट हुआ है जो आपसे ये शेयर करना चाहता है अपनी हॉरर स्टोरी, तो विमल आज की हॉरर स्टोरी शेयर करेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है विमल और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुआ था गर्मियों की छुट्टी में जब मैं अपने भैया के शादी में गया था, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। और गाइस, जब मैं अपने भैया के शादी में गया था तब कुछ शादी में जानते हो एंजॉयमेंट और रात तक जगते हैं बहुत ही, तो वहाँ पे गए थे। फिर शादी वादी अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ सब चीज वगैरह। और फिर उसके बाद जो बोलते हैं ना लड़की तरफ जब लेने जाते हैं, तब हम गए थे, बारात गए थे। फिर उसके बाद वहीं पे हम कहीं दूर जगह गांव गए थे, जहाँ पे नाम तो याद नहीं आ रहा गांव का मेरा, बट वहां पे गए थे हम लोग। तो उसी गांव में जो हुआ था घटना हमारे साथ वो बहुत ही खतरनाक था और बहुत ही डरावना था। तो फिर उसके बाद हम लोग वहां पे गए, तो वहां पे रुके, जाते जाते तो लगभग 9-10 बज ही गया था, तो लेट हो फिर जाता हाँ है। लेट हो जाता है। तो वहां पे रुके, फिर खाना वाना खाते, खाने के बाद 12-1 बज गए। तो हम लोग सोचे कि वहां पे बैठे रहते हैं, तो सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, बैठे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो उस गांव में ना बोलते हैं कि खदान था उस गांव, मतलब गांव पूरा टूट कौन सा रहा गांव था? था। बरपाली, हाँ बरपाली। नाम याद है, अच्छा, बरपाली, गेवरा साइड। हाँ गेवरा साइड वही जा अच्छा। रहा था। तो वहां पे पता है कि बहुत लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के होंगे तो वो लोग। तो फिर उधर बहुत सारा खदान वगैरह है, तो उधर का टूट रहा है, तो बहुत सारे जगह है। तो बोलते थे कि उधर पे ना जो एक औरत रहती थी और बूढ़ा रहता था, तो उनके घर पे जो रहते थे वो लोग, वहां पे मतलब उन घर को तोड़ने के लिए मना किया गया था जब उनके अच्छा। मरने के बाद। और फिर उधर का घर को टोरा, तब टोरा गया। तो वहां पे जो उन दोनों रहते थे, तो जिस जेसीबी वाले ने तोड़ा, जिस गाड़ी वाले ने वहां को, तो वो तो पहले दिन ठीक था जिस दिन तोड़ा, फिर दूसरे दिन वो खत्म हो गया गाइस। हाँ, इसके बारे में हमें बाद में पता चला। और मैं बता दूं कि हम लोग उसी साइड गए थे जो भैया लोग थे वो लोग, मतलब ड्रिंक वगैरह करने के लिए, मस्ती करने के लिए। अब पता है गाइस, शादी में जाओगे तो ड्रिंक वगैरह ये सब तो होते रहता है। तो उधर ही गए थे हम लोग। तो फिर उसके बाद जाने के बाद हम लोगों को थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगा, फिर चिकन वगैरह जो खाने वाने के लिए लेके जाते हैं गए थे। और फिर उसके बाद वही कुत्ते लोग को कुछ चिकन वगैरह थोड़ा सा दिखा रहे थे कि अच्छा, मतलब ऐसा करके खाओ खाओ करके ऐसा खिलाने के लिए। मजाक कर रहे थे। तो उसी टाइम पे हम उस जगह पे चले गए थे, तो हम लोगों को पता नहीं था, हम लोग पूछे भी नहीं थे कि यहाँ पे क्या है करके। और हम मतलब लोग, पता नहीं था जगह हाँ का हम लोग को कुछ। पता नहीं था, और हम अच्छा। लोग चले गए थे और हम लोग पूछे नहीं थे घर वालों से, क्योंकि ड्रिंक वगैरह करते हैं तो कोई पूछता नहीं है, पता है हाँ आपको, हाँ हाँ तो पूछ के जाएंगे तो कहाँ करने देंगे। तो भैया लोग ड्रिंक करने गए थे और चिकन वगैरह बहुत सारे लेके गए थे, तब वहां पे ऐसे ही कुत्ते लोग को दिखा रहे थे। तो उस टाइम पे एकदम थोड़ा सा हवा चला, मतलब हल्का हल्का। फिर उसके बाद उतना, अब पता है रात है तो हवा चलेगी ही ऐसा वाला हाँ हम लोग सोच रहे थे। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हवा फिर तेज होने लगा, फिर उसके बाद एक के बाद एक पेड़ जोरों से हिलने लगा है। तो अच्छा। वो सबसे डरावना पल था हम लोगों के लिए। तो उसके बाद हम लोगों को फिर डर लगने लगा, तो भैया लोग तो मतलब पी लिए थे तो उन लोगों को तो कुछ होश नहीं था, जो हम ही छोटे छोटे लोग थे हम लोग को तो डर लगने लगा। फिर उसके बाद अचानक से एक भैया के सामने व्हाइट कलर का एक बूढ़ी औरत आ गई जो सच में खतरनाक थी और हद से ज्यादा डरावना। वो भैया जो ड्रिंक कर रहे थे उनके सामने। हाँ उनके सामने आ गए, तो वो भैया तो वैसे ही खड़े हो गए, इतना डर गए वो भैया, वो ड्रिंक किए थे उनका पूरा नशा हो गया, सब फट गया, जो क्या बताऊं यार, बता नहीं पा रहा मैं, हद से ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद एक और बूढ़ा आदमी आ गया जो व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था, तो हम लोग डर गए थे बहुत ज्यादा, तो वहां से हम लोग भाग गए। और इतना ज्यादा डर लग रहा था, और जिस भैया के सामने आ गए थे वो भैया तो डर के मारे इतना कांप रहे थे गए,
कि क्या बताऊं। और वो ना मतलब इतना हद से ज्यादा डर गए थे और इतना कांप रहे थे कि आप सोच नहीं सकते। और हम लोग भी बहुत डरे हुए थे, तो हम लोग रात ही को प्लान बना लिए कि वहां से निकलना है। तो फिर उसके बाद हम लोग सब निकल गए, फिर उसके बाद घर आ गए। और वो दिन मैं नहीं भूल सकता गाइस, क्योंकि बहुत ही डरावना दिन था। और मेरे को तो हर रात में अब बहुत ही डर लगता है, क्योंकि मैं हद से और ज्यादा डरता ऐसा हूँ। कुछ हो जाता है तो ऐसा कुछ हो जाता है तो और हद से ज्यादा, क्योंकि मेरे साथ कभी नहीं हुआ था और सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आज तक ऐसा नहीं देखा था गाइस। जो मैंने देखा वो बिलीव नहीं, आपको कैसे बताऊं उस पर टाइम जो पे, उस तो टाइम जो मेरे को फील उस दौरान आया। जो रहता है जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहता है हाँ उसको पता उसको पता होगा, होता है। क्योंकि जो फील हुआ वहां पे वो मैं आपको कैसे बताऊं, जो जिसके साथ हुआ है वो पता होगा यार उसको। अब नॉर्मल सी बात है, अब तो देख लिया। तो मैं तो भाई इसके बाद मैंने सोचा कि कभी भी रात में कहीं भी नहीं जाना चाहिए, अच्छा और उस बिना पूछे तो नहीं। फिर अच्छा उसके बाद हम लोग गए और बताए घर के अंदर कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। तो उन्होंने बोला कि वहां पे आप लोग क्यों गए थे, क्योंकि वहां पे थोड़ा ऐसा ही कुछ है इधर खदान, क्योंकि देखो जो उधर पे खदान बन रहा है तो घर वगैरह टूट रहा है, तो वहां पे जितने भी जमीन है वो लोग सब लोग बहुत सारे लोग मरे वरे रहते हैं। हाँ, तो हाँ और पता भी ऐसा, नहीं रहता कि हाँ पिछले टाइम पे क्या हुआ था हाँ क्या आपस हुआ पिछले था। समय पे ना। और बहुत सारे लोग का घर वगैरह टूटा था, तो देवता वगैरह ये हाँ सब होते रहता है गांव में, आप मानते हैं गांव वाले लोग लोग। हाँ जानते होंगे। तो वही सब हुआ था, तो बहुत ही खतरनाक था। और हमें मना किया कि कभी भी आओगे तो यहाँ पे मत जाना। और गाइस हम लोग तो वहां पे भूल से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि क्या है वहां पे। और आप भी ऐसे चौकन्ना रहो गाइस, क्योंकि आप लोग भी मतलब ऐसी जो चले जाते हो कहीं पे भी तो ये कभी तो मत एकदम उसके करना, बारे में पता कर लेना हाँ चाहिए वहां कि पर कुछ यहाँ है पे क्या कुछ है। है कि नहीं ऐसा हाँ करके। तो सो गाइस मेरा कहानी इतना ही था। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। और आपके साथ भी ऐसे दुर्घटना हुए तो नील भैया से संपर्क कैसे करें। लगी गाइस भाई की स्टोरी? और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, स्टोरी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, पीस।